नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर XSBIPO आज फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए रीजनिंग का एक और शानदार सेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज भी आपका SBI 2019 क्रैश कोर्स में रहेगा एक और रीजनिंग का क्विज। क्विज टाइमर के साथ रहेगा और जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं, 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा पर सेटअप। अगर आप पहली बार ये क्विज अटेंड कर रहे हैं तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज, थोड़े से जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, फॉर्मेट रहेगा पूरे क्विज का, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीन आपके टोटल सेट्स रहेंगे, तीनों का लेवल रहेगा प्री के अकॉर्डिंग, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग लेवल रहेगा और हर सेट के लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। इस 4 मिनट के दौरान आपको स्ट्रिक्टली सिंसियरली सिर्फ क्विज को अटेम्प्ट करना है और किसी भी तरह का लाइव चैट में कमेंट नहीं करना है। अब जैसे ही टाइम खत्म होता है, उसके बाद आप कुछ भी कमेंट या कुछ भी सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह के तीन क्विजेज रहेंगे, तीनों का लेवल क्या है प्री के अकॉर्डिंग। तो अभी कुछ ही समय में आपके सामने पहला सेट आएगा। पहले सेट आते ही जो आपको टाइमर यहां दिख रहा है, ये जो टाइमर आपको दिख रहा है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपका टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, बातें खूब हो चुकी है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलिए, लास्ट का 1 मिनट ही बचा है, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने पैरेलल रो अरेंजमेंट का सवाल है, लेवल रहेगा प्री के लिए।
चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स बचे हैं, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम पूरे आंसर की देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या फाइनल आंसर है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स है, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए टाइम इज ओवर, टाइम आपका खत्म हो चुका है, जल्दी से देखते हैं। टाइम आपका खत्म हो चुका है, 1 2 3, कितने थे, 8% थे, 1 2 3 4, उसी प्रकार 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर वाली रो में आपके आएंगे एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, और नीचे आपके आएंगे बी देन डी देन सी और उसके बाद ए। अब इसके साथ साथ एक वेरिएबल और था, डिफरेंट कलर्स, तो कलर्स भी फिल करना पड़ेगा। तो एक्स के ऊपर आएगा रेड, वाई के लिए आएगा ब्लू, डब्ल्यू के लिए आएगा आपका ब्लैक और जेड के लिए आपका आएगा व्हाइट, ठीक है। अब चलिए बी डी सी ए के लिए भी देख लेते हैं। बी के लिए रहेगा आपका वॉयलेट, डी के लिए रहेगा ग्रे, सी के लिए रहेगा ग्रीन और फाइनली ए के लिए रहेगा येलो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, जिन जिन स्टूडेंट्स का ये फाइनल सॉल्यूशन आया है, आंसर बिल्कुल सही है। अब जिनका नहीं आया उनको परेशानी होना, एक बार फिर से आप आराम से अटेम्प्ट कीजिए, प्री का लेवल है, ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट करने पर सवाल सॉल्व नहीं होगा, पक्के से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आराम से शांति से क्विज खत्म होने के बाद एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आएगा आपके सामने, फिर से वही 4 मिनट का समय। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए।
लास्ट 25 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन देखा जाएगा। लीनियर रो का आपका सवाल है, 7 लोग हैं और साथ साथ में एक वेरिएबल और है, वो है उनकी एज। चलिए टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपके सवाल में बोला गया था क्लियरली कि कितने लोग हैं, 7 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7, सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट एजेस, और ये भी बताया गया। तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट कैसा बनेगा जल्दी से देख लीजिए। लेफ्ट एक्सट्रीम पे सी बैठेगा, देन जी, देन ए, देन ई, देन डी, देन बी, और फाइनली एफ। अब सभी की एजेस भी आपको फिल करनी पड़ेगी। तो 11, 18, 13, 19, 9, 15 और फाइनली 25। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का ये अरेंजमेंट फाइनल बन रहा है, ये फाइनल सॉल्यूशन है, तो बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है, ठीक है। तो अब जिन स्टूडेंट्स का ये आंसर नहीं आ रहा है, घबराइए मत। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, क्विज एक बार खत्म हो जाए, जैसे ही क्विज खत्म होता है उसके बाद आप फिर से अटेम्प्ट कीजिएगा, आपसे पक्के से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन के फाइनल की सेट की ओर बढ़ा जाए। जो आपका फाइनल सेट रहेगा उसकी ओर बढ़ा जाए, उसमें भी टाइम क्या रहेगा, वही सर 4 मिनट का। तो चलिए देखते हैं। चलिए फाइनल क्वेश्चन अब आपके सामने है, जल्दी से सभी अटेम्प्ट करेंगे आज के सेशन का फाइनल क्वेश्चन, 4 मिनट का समय दिया जाए। तो चलिए समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए जल्दी से सभी के सभी अटेम्प्ट करेंगे, जल्दी से सभी के सभी अटेम्प्ट कीजिए, जिससे कि आज का सेशन हो खत्म, हम जल्दी से देखें सॉल्यूशन। 3 सेट आपके लिए मैं आज लेकर आया था, सभी के सभी प्री लेवल के थे, 4 4 मिनट का पर सेट आपको दिया जा रहा है, और आज का ये फाइनल सेशन रहेगा। चलिए लास्ट 2 मिनट आपके पास बचे हैं, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए।
चलिए लास्ट 20 सेकेंड बचे हैं, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। आज के सेशन का फाइनल सेट है ये, 4-4 मिनट पर सेट आपको दिए गए थे। चलिए टाइम खत्म हो चुका है, टाइम इज ओवर। अब क्या करेंगे, जल्दी से सॉल्यूशन फाइनल देख लेते हैं। क्या दिया गया था, पर्सन हू लिव्स 6 सेकंड टू द ए बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ, ये सब पूरा का पूरा आपको अरेंजमेंट दिया गया था। ठीक है, अरेंजमेंट क्या था, अरेंजमेंट यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं शो हो रहा है, शायद तक पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या क्या था, बी पी हु लाइक्स विच इज अ मल्टीपल ऑफ ए लाइक 15 सेट सेकंड, हु लाइक 18 इमीडिएट नेबर ऑफ पी लाइक्स नंबर टी लाइक 16 सेट सेकंड। नहीं बिल्कुल है, बस एक इंफॉर्मेशन नहीं थी कि सर ये कैसे बैठे हुए हैं, तो ये आपको समझना था कि ये है आपके सर्कुलर अरेंजमेंट में 8 लोग बैठे हैं इस तरह से 8 लोग बैठे हैं। कैसे कैसे, सारा का सारा आपको ऑर्डरिंग है वी, सॉरी यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर वी, वी ए एक्स आर टी, उसके बाद पी, उसके बाद बी, देन जेड। अब नंबर्स कौन कौन से हैं जल्दी से देख लेते हैं। सर वी के लिए रहेगा 5, ए के लिए रहेगा 15, एक्स के लिए रहेगा 7, आर के लिए रहेगा 21, 16 के लिए सॉरी टी के लिए रहेगा 16, पी के लिए रहेगा 10, बी के लिए रहेगा 8 और जेड के लिए रहेगा आपका 18। तो इसमें थोड़ी सी जो प्रॉब्लम ये थी कि आपको ये नहीं पता था ये सर्कुलर अरेंजमेंट में है, तो ध्यान रखिएगा कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल था, सर्कुल में आपको 8 लोगों को बिठाना था और बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको दी गई है। तो अगर आप ये अरेंजमेंट बना पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो क्विज के बाद फिर से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो आज के सेशन में हम 3 आपके लिए सेट लेकर आए थे, तीनों सेट ही प्री लेवल के थे। अगर आप इन सभी सेट को 4 मिनट के अंदर कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन ऑन पॉइंट। चलिए इसी तरह के और भी सेशंस आपके लिए हम लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिएगा। और एक छोटी सी छोटा सा नोटिस और आज के लिए, आज आपका क्वांट का सेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं होगा। आज आज कुछ पर्सनल रीजन के कारण सर क्वांट का सेशन नहीं ले पाए, तभी मैं रीजनिंग का आज आपके लिए क्विज ले आया हूँ। कल क्वांट का रेगुलर वही 8 बजे आपका सेशन रहेगा, तो 8 बजे जरूर जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन तक के लिए धन्यवाद।